हेलो स्टूडेंट्स, अब हम संघीय संसद की शक्तियों तथा कार्यों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संघीय संसद की स्विट्जरलैंड में संरचना को देखा और हमने ये देखा कि संघ की संसद किस तरीके से अपने अधिकारों को प्रयोग करने की क्षमता रखती है कि उसका चुनाव उसी तरीके से होता है। अब हम उन शक्तियों को, उन कार्यों को पढ़ेंगे जो जनता द्वारा, लोकतंत्र द्वारा स्विट्जरलैंड की संघीय संसद को प्रदान की गई हैं। ये पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट। इसके अंतर्गत हम देखते हैं स्विट्जरलैंड में संघीय संसद के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट को विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 173 की उपधारा 2 में कहा गया है कि प्रतिनिधि सदन सीनेट दोनों उन सभी कार्यों को संपन्न करेंगी जो कि वर्तमान संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए हैं और जो अन्य किसी अधिकारी को नहीं सौंपे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 160 से 173 में संघीय संसद के अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसमें उन संघीय संसद की विधायी, प्रशासनिक, न्याय, वित्तीय सभी क्षेत्रों में अधिकार उनको प्राप्त है वो बताया गया है। संघीय संसद की शक्तियों को हम निम्न रूप में देखते हैं। सबसे पहले इनकी आती है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के अंतर्गत, लेजिस्लेटिव पावर्स के अंतर्गत हम देखते हैं संघीय संसद मूलतः एक विधायी सभा है और इसका प्रमुख कार्य कानून निर्माण का है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। कानून बनाने के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश, फेडरल डिक्रीज जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद, जिसे सामान्य संघीय आदेश, सिंपल फेडरल डिक्री घोषित किया करती है, उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है। संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। इनको निम्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि सबसे पहला राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, दूसरा संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, तीसरा व्यक्तियों के अधिकार तथा दायित्वों के संबंध में, चौथा करदाताओं के वर्ग के संबंध में तथा करों के उद्देश्य तथा निर्धारण के संबंध में, पांचवा परिसंघ के कार्य तथा सेवाओं के संबंध में, नेक्स्ट संघीय कानूनों को लागू करने तथा क्रियान्वित करने के प्रसंग में कैंटनों के दायित्व के निर्धारण के लिए और संघीय सत्ताओं के गठन तथा प्रक्रिया के संबंध में। ये इनकी विधायी शक्तियाँ हैं। इसके अंतर्गत हम अत्यावश्यक व्यवस्थापन को पढ़ते हैं, अर्जेंट लेजिस्लेशन। अनुच्छेद 165 सामान्य कानूनों पर लोक निर्णय की व्यवस्था करता है। लोक निर्णय की व्यवस्था अंतिम रूप से कानून बनाकर उसे लागू करने में विलंब और कभी भारी विलंब को जन्म देती है, अतः विशेष परिस्थितियों के लिए अत्यावश्यक व्यवस्थापन का प्रावधान किया गया है। एक संघीय कानून जिसे तत्काल ही प्रभाव में लाने की आवश्यकता हो, उसे संघीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अत्यावश्यक घोषित कर तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन यह व्यवस्था सीमित समय के लिए ही है। यदि किसी अत्यावश्यक संघीय कानून पर 50,000 नागरिकों द्वारा लोक निर्णय की मांग की जाती है तथा इसे एक वर्ष की अवधि में जनता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो संघीय संसद द्वारा लागू किए जाने वाले एक वर्ष के बाद वह समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार अत्यावश्यक व्यवस्थापन के उपयुक्त प्रावधान के आधार पर संघीय संसद को एक वर्ष के लिए तत्काल ही कानून बनाने तथा लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा, संविधान में संशोधन की शक्ति। संघीय संसद संविधान में संशोधन कार्य में महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव इसके दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर ही लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है। जब संघीय संविधान के पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव विचारार्थ हो, तो संघीय संसद को भंग कर नवीन संघीय संसद का निर्वाचन आवश्यक होता है। संघीय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर लोक निर्णय के साथ साथ आरंभक का भी नियंत्रण होता है। यदि 1,00,000 स्विस मतदाता संविधान में संशोधन का प्रस्ताव करते हैं तो संघीय संसद को उस पर विचार करना होता है। तीसरा, हम देखते हैं निर्वाचन नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संघीय संसद को स्विस संघ की महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की नियुक्ति करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। संघीय संसद ये नियुक्तियाँ निर्वाचन के आधार पर करती हैं। उसे संघीय परिषद और संघीय न्यायालय के सदस्यों, संघ के चांसलर व संकट काल में प्रमुख सेनाध्यक्ष को चुनने का अधिकार है। वही संघीय बीमा न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करती है। संघीय संसद को संघीय परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चयन, संघीय न्यायालय के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन तथा कुछ अन्य चुनाव संबंधी तथा पुष्टिकरण संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। इनमें से अधिकांश नियुक्तियाँ संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में करते हैं। चौथी है कार्यपालिका शक्ति, जिसे एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। संघीय संसद मूलतः एक विधायी निकाय है, लेकिन इसे कार्यपालिका के क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियाँ मिली हुई हैं। इन शक्तियों को विभिन्न प्रकार से हम उल्लेखित करते हैं। पहला, हम देखते हैं वैदेशिक संबंधों
और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में शक्ति, अनुच्छेद 166 के अनुसार। संघीय संसद विदेश नीति के निर्धारण में भाग लेगी और वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों की स्वीकृति देगी। इस संबंध में अपवाद यह है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समुच्चय शक्ति प्राप्त है, उस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। दूसरा हम देखते हैं संघीय सत्ताओं का निरीक्षण और नियंत्रण। अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय संसद विदेश नीति के निर्धारण में भाग लेगी और वैदेशिक संबंधों का निरीक्षण करेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को स्वीकृति देगी और इस संबंध में अपवाद यह है कि जिन संधियों के संबंध में संघीय शासन को समझ शक्ति प्राप्त हो, उस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दूसरा हम देखते हैं संघीय सत्ताओं का निरीक्षण तथा नियंत्रण। अनुच्छेद 169 के अनुसार संघीय संसद को संघीय शासन, संघीय प्रशासन, संघीय न्यायालयों तथा अन्य अंगों जिन्हें परिसंघ के कार्यों का संपादन सौंपा गया के कार्यों का निरीक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। संघीय संसद का यह अधिकार उसे संघीय सरकार और संघीय सत्ताओं पर नियंत्रण दे सकता है। संघीय संसद इस बात की व्यवस्था करती है कि परिसंघ द्वारा अपने हाथ में लिए गए विभिन्न कार्यों की प्रभावदायता का मूल्यांकन हो। जैसे कि अनुच्छेद 171 के अनुसार संघीय संसद संघीय सरकार को आदेश दे सकती है। इस संबंध में विस्तार की बातों का निर्धारण कानून के आधार पर ही होगा। इसके अतिरिक्त हम इनकी वित्तीय शक्तियों को देखते हैं, फाइनेंशियल पावर्स को देखेंगे। फाइनेंशियल पावर के अंतर्गत हम देखते हैं कि संघीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति बजट की स्वीकृति से संबंधित है। संघीय सरकार जो बजट बनाती है उसे स्वीकार करना संघीय संसद का कार्य है। बजट के संबंध में उसकी स्वीकृति अंतिम होगी क्योंकि इस ऐच्छिक लोक निर्णय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। संघ की ओर से दिए गए ऋणों के विषय में भी निर्णय संघीय संसद ही करती है। संघीय प्राधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण करना, संघीय शासन के स्थायी पदों का निर्माण और उनके वेतन आदि को निर्धारित करना भी संघीय संसद का कार्य है। संघीय संसद संघीय सरकार के आय व्यय के लेखों अकाउंट्स की जाँच की स्वीकृति प्रदान करती है। इसके अलावा हम छठे पॉइंट को देखते हैं, कैंटनों से संबंधित शक्ति या पावर रिलेटिंग टू कैंटन्स। संघीय संसद को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह कैंटनों के संविधान और उनके संशोधनों की उचित जांच कर उन्हें स्वीकार करे। कैंटन विदेशों से जो संधियां करते हैं उन पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। इसी प्रकार कैंटन परस्पर जो संधियां करते हैं उनके बारे में भी संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। यदि संघीय सरकार या अन्य कैंटन संधि पर कोई आपत्ति उठाए, आंतरिक अशांति बनाए रखना और शांति बनाए रखना और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो संघीय सेना का प्रयोग करना भी संविधान के अनुसार संघीय संसद का कार्य है, परंतु व्यवहार में यह कार्य संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। सातवें के अंतर्गत हम देखते हैं न्यायिक शक्ति, जिसे जुडिशियल पावर कहा जाता है। वर्तमान संविधान के द्वारा एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। स्वाभाविक रूप से संघीय संसद की न्यायिक शक्तियाँ सीमित हो गई हैं, लेकिन अब भी न्याय के क्षेत्र में उसे अधिकार प्राप्त हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 173 में किया गया है। संघीय संसद संघ की विविध सत्ताओं के बीच कार्य क्षेत्र संबंधी विवादों का निर्णय करती है। संघीय संसद अपने द्वारा नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर सकती है। संघीय संसद न्यायालयों के से दंडित व्यक्तियों की क्षमा याचिकाओं पिटिशन ऑफ फॉर पार्डन पर विचार पर निर्णय कर सकती है और उसे सामूहिक क्षमादान की घोषणा भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त हम अन्य कार्यों तथा शक्तियों की इनकी देखते हैं। अनुच्छेद 173 द्वारा संघीय संसद के कुछ और कार्य दिए गए हैं। सबसे पहला कार्य, यह स्विट्जरलैंड की बाहरी सुरक्षा, स्वतंत्रता और तटस्थता की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। दूसरा, यह आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। तीसरा, असाधारण परिस्थितियों में अनुच्छेद 173 के उपयुक्त प्रथम और द्वितीय कार्य की पूर्ति हेतु अध्यादेश या साधारण संघीय आदेश जारी कर सकती है। नेक्स्ट, यह सक्रिय सैनिक सेवा का आदेश दे सकती है तथा इस उद्देश्य से समस्त सेना या उसके एक भाग की लामबंदी भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह राज्य की सभी गतिविधियों के आयोजन में सहायता भी देती है। इस प्रकार संविधान द्वारा संघीय संसद को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान हैं। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं कि संविधान में संघीय संसद की वास्तविक स्थिति क्या है। एक्चुअल पोजिशन ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट। संघीय संसद की शक्तियों की उपयुक्त विवेचना में यह स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि संघीय संसद की स्थापना करते हुए स्विस संविधान के निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के मर्यादापूर्ण सिद्धांत पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने इसे विधायी, प्रशासनिक, न्यायी सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदान कर दी थी। लेकिन व्यवहार में संघीय संसद इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं दिखाई देती है जितनी शक्तिशाली संविधान निर्माता उसे बनाना चाहते थे।
विधायी क्षेत्र में संघीय संसद की शक्ति ऐच्छिक लोक निर्णय के कारण सीमित हो गई है। न केवल संवैधानिक दृष्टि से व्यवस्था है, वरन व्यवहार में भी ऐच्छिक लोक निर्णय की शक्ति बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। संघीय संसद को सदैव यह ध्यान रखना होता है कि कानूनों पर निर्णय हो सकता है और उसके कारण में समाप्त भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में कानून निर्माण का कार्य पर्याप्त जटिल भी हो गया है और इस कारण विधायी क्षेत्र में भी संघीय संसद के स्थान पर संघीय सरकार ही पहल करती है। प्रत्येक देश में कल्याणकारी राज्य के उदय तथा संकटकालीन स्थिति के कारण कार्यपालिका शक्ति निरंतर बढ़ती चली जा रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। स्विट्जरलैंड में भी संघीय सरकार द्वारा शासन सूत्रों के संचालन में इतनी महत्वपूर्ण स्थिति बना ली जाने के कारण संघीय संसद का महत्व कम हो गया है। यह चीज जुर्चर ने भी कही कि यह पर्याप्त स्पष्ट है कि संघीय सरकार का विधायी तत्व विधायी महत्व स्थायी रूप से बढ़ गया है और पश्चिम प्रजातंत्रों के समान स्विट्जरलैंड में कम से कम वास्तविकता की दृष्टि से संघीय सरकार शासन का सर्वमुख अंग भी बन गई है। संसद अपने समस्त कार्य शांति समझ और ईमानदारी से संपन्न करेगी, ये संघीय संसद के द्वारा यह महत्वपूर्ण बात रखी गई है। लॉर्ड ब्राइस ने भी इसमें कहा कि स्विट्जरलैंड की संघीय तथा संघीय सभा बड़ी ईमानदारी से कार्य करने वाली संस्था है जो शांति देश प्रेम से प्रभावित होकर उनके कार्य को संपन्न करती है। वहाँ के सदस्य व्यर्थ में ओजस्वी भाषण नहीं देते हैं, ना इन भाषणों की प्रशंसा की जाती है। वे तो व्यवहार में अपना कार्य कुशलतापूर्वक ढंग से करते हैं, संपन्न करने के संबंध में बात करते हैं। 1848 के संविधान द्वारा स्थापित संघीय सभा के संबंध में जो कुछ कहा गया है, वर्तमान संविधान द्वारा स्थापित संस्था संघीय संसद के संबंध में भी वह चीज़ सत्य है।